आज हम बनाएंगे पिंदी छोले, और इसके लिए मैंने 250 ग्राम ये वाले छोले जो छोटे हैं ये हमने ले लिया है। बेसिकली पिंदी छोले में ये ढाबा और रेस्टोरेंट में छोटे वाले ही छोले यूज़ किए जाते हैं। और उसमें हम डालेंगे एक खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, और इसको ओवरनाइट हम सोक करेंगे और सुबह उससे हम पिंडी छोले बनाएंगे। रात को हमने ये चना अच्छे से भिगाने के लिए रख दिया था और उसमें हमने मीठा सोडा भी डाल दिया था। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट क्वांटिटीज जो है वो डबल जैसी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से फूल के खिल चुके हैं हमारे ये छोले। अमृतसरी पिंडी छोले बनाने के लिए हमने 250 ग्राम छोले ले लिए थे। तो एक पहले तो सबसे पहले ये पानी निकाल देंगे, पहले तो हम ये जो है पानी हम पूरा निकाल लेंगे और फिर इसको एक बार बहुत अच्छे से वॉश करना है और दो तीन पानी से इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। तो ये छोले हमने बिल्कुल 4 से 5 बार अच्छे पानी से साफ कर लिया है, इसको अब साइड में करते हैं। अब एक प्रेशर कुकर हमने ले लिए है और छोले इसमें डाल देंगे। छोले डूबने तक इसमें हमें डालना है पानी। और आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, कुटा हुआ है, ये डाल देंगे इसमें। और एक कॉटन का कपड़ा हमने ले लिया है। अब इसमें आपको छोलों का कलर कितना डार्क चाहिए उस हिसाब से आप इसमें चाय की पत्ती ऐड करें। मैं लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास ले रहा हूँ और इसकी एक बुके पोटली बना देंगे। और पोटली इसके अंदर ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट अच्छे से 6-7 विसल आने तक इसको हम बॉईल कर लेंगे। और जब तक हमारे छोले बॉईल होते हैं तब तक हमने कुछ मसाले का पेस्ट बनाना है। यहाँ डेढ़ चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, ये वाली 1 चम्मच और थोड़ा सा ज़्यादा ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, और ये 1.5 चम्मच मैंने छोले मसाला पाउडर लिया है जो बाज़ार में रेडीमेड मिलता है, 1/2 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/3 टीस्पून हमने हल्दी ली है। तो सबको इसमें डाल देंगे। और जो सबसे खास रेसिपीज है वो है ये अनारदाना। अनारदाना आपको ज़रूर डालना है इसमें, उसके बगैर छोले का मज़ा नहीं आएगा। ये भर के डालिए। लगभग 4 चम्मच मैंने ये अनारदाना ले लिया है और उसमें डाल देंगे पानी। और इसको साइड में कर देंगे अच्छे से मिला के। और 15-16 मिनट के बाद बर्तन से कवर अपन हटा लेंगे और छोले बिल्कुल लाजवाब हमारे अच्छे से बॉइल हो चुके हैं, एकदम सॉफ्ट। ये देखिए बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हमारे हो चुके, इतने छोले सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो अब इसको हम साइड में कर लेंगे और इसका पानी फेंकेंगे नहीं, पानी एक अलग बर्तन में रख लेंगे और पोटली निकाल लेंगे। और बॉईल करने के बाद, छोले बॉईल करने के बाद यहाँ मैंने 3-4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है फ्रेंड्स, और ज्यादा कर सकते हैं। और जैसे गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून इसमें जीरा डालेंगे, और जीरा थोड़ा सा तड़पने लगे तो उसमें पूरा खड़ा गरम मसाला हमने ले लिया है ये डाल देंगे,
ये काली मिर्च है, ये हरी इलायची है, 3-4 जावित्री, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और ये फूल चक्री और 2 बड़ी इलायची ये हमने ले ली है। तो थोड़ा सा इसको तड़कने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और मसालों से खुशबू आना शुरू हो चुका है। मसाले अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का प्याज, मैंने चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे इसमें। और ये हरी मिर्च 3 मैंने स्प्लिट कर ली है, 1 के 2 टुकड़ों में काट लिया है। और फ्लेम कर देंगे मीडियम टू हाई और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। और 6-7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो 1.5 चम्मच हमने ये लहसुन का पेस्ट ले लिया, ये इसमें डाल देंगे और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है लहसुन को, ताकि इसका कच्चापन रोनेस जो है निकल जाए। और अब 4 टमाटर का पेस्ट प्यूरी मैंने बना लिया था, ये डाल देंगे इसमें। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक आधा चम्मच, 1/2 टीस्पून हमने ले लिया है नमक, ताकि ग्रेवी और प्याज अच्छे से कुक हो जाए। फ्लेम को मीडियम टू हाई करके बिल्कुल इसको अच्छे से हम कुक होने देते हैं। और 7-8 मिनट हमने बिल्कुल अच्छे से टमाटर की ग्रेवी को कुक कर लिया है। तो अभी हमारा जो मसाला पेस्ट हमने बनाया था ये इसमें डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। देखिए कलर अब कितना प्यारा ग्रेवी का हो गया, बिल्कुल बाजार जैसे आपको दिखेगा कलर। और फ्लेम को अब बिल्कुल मीडियम रखा है मैंने और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा थोड़ा सा ये अमचूर का पाउडर, 1/3 टीस्पून दिया है अमचूर का पाउडर। और अगर आपको ठीक लगे तो डालिए हींग असाफोटिडा, 1/3 टीस्पून ले लिया है हमने, फ्लेवर अच्छा आ जाएगा ऊपर से डालेंगे तो। तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस 7 से 8 मिनट इस ग्रेवी को भी हमें कुक करना है, क्योंकि जितना ग्रेवी को पकाएंगे, जितना कुक करेंगे, टेस्ट उतना ही इन्हेंस हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साइड से जो है तेल ऊपर आ चुका है एकदम अच्छे से, मगर अभी इसको हमें और कुक करना है कि मसालों से पूरी तरह से जो है ऑयल ऊपर आ जाए। तो इसी तरह से ग्रेवी जो हमारी पक जाएगी और हमें इसी तरह से पता चल जाएगा कि ग्रेवी हमारी कुक हो चुकी है। तो पूरी तरह से मसालों से तेल सेपरेट हो जाएगा 2-3 मिनट में। फ्रेंड्स ऑयल जो है पूरी तरह से ऊपर आ चुका है आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ कुकिंग ऑयल आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने 3 गुना क्वांटिटी में जो है कुकिंग ऑयल लिया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, बाद में ये पूरा ऑयल जो है वो निकाल दूंगा, एक अलग बॉटल में भर के रख लूंगा फ्रिज में, क्योंकि ये मैं सर्विंग के लिए मुझे और डिशों में भी काम आता रहेगा। तो ये रोगन है, अगर आप ज़्यादा तेल डालना चाहें तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप सिर्फ 2 चम्मच तेल से आप ये जो है छोले बना सकते हैं। लेकिन मेरा काम है इसलिए मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ज़्यादा ही लिया है और ये ऑयल मैं बिल्कुल अलग से निकाल लूँगा बाद में। तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी हमारी पक चुकी है। तो अब जो छोले बॉईल करके जो पानी बचा था चाय पत्ती वाला, ये इसमें डाल देंगे, लगभग आधा ग्लास पानी हमने लिया है। और ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पके तो फ्लेम को मीडियम करके 6-7 मिनट वापस कुक कर लेंगे। 7-8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी लाजवाब है, ये होटल और ढाबा को भी फेल कर देगी, इतनी प्यारी ग्रेवी बन चुकी है। इसका कलर देखिए और टेस्ट भी बढ़िया एकदम। थोड़ा सा मुझे यहाँ लग रहा है कि मैं चुटकी भर इसमें नमक और मिला दूंगा हल्का सा। और अब इसमें डालेंगे हमारे छोले, दोस्तों 5-6 मिनट के बाद हमारे छोले बिल्कुल तैयार है, ताज़ा ताज़ा बारीक कटा हुआ धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अब तड़का लगाएंगे, साइड में ले लेंगे, इसको नीचे उतार देंगे, यहाँ का गैस बंद कर देंगे।
आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार वाला टेक्सचर है। ये देखिए आप छोले, अब एक जो हमने तड़के का पैन ले लिया है उसमें मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ये जुलियन कट किया हुआ अदरक डालेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम रखा है हमने। ये 3-4 डाल दिए हमने सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया हमने, और ये ताजा धनिया पत्ता खुशबू के लिए बहुत ही शानदार खुशबू, एकदम एरोमेटिक हो जाएगा हमारा छोले। ये बहुत ही अच्छी खुशबू तड़के से आ रही है, तो तड़का कर देंगे, रख देंगे गैस यहाँ का हमने करना है बंद, और ये तड़का ऊपर से लगा देंगे। और हमारे छोले बिल्कुल तैयार है दोस्तों। आपको रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी रोज़ रोज़ रेसिपी आपको डायरेक्ट मिलती रहे। तो इसको एक अच्छे से प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये हरा धनिया लगता है ना दोस्तों, बिल्कुल बाजार जैसा घर पे बनाया हुआ छोले, लेकिन टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा आप देख सकते हैं। और छोले हमारे एकदम अच्छे से सॉफ्ट और मुलायम हो चुके हैं, ये देखिए आप ये भी देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम। इसी तरह के छोले होने चाहिए तो ही मजा आएगा खाने में। और आप बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप ज़रूर बनाइए, यमी।